हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन फूड खजाना में। तो आज की रेसिपी है दोस्तों ब्रेड टोस्ट। उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, नमक, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर और कसूरी मेथी। लीजिए दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू जो हैं उबाल लिए हैं, छील लिया उनको। और इसके लिए मुझे चाहिए प्याज, हरा धनिया और मेरे इंग्रेडिएंट्स विद ब्रेड। तो दोस्तों ये देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। आलू को हम मैश कर लेंगे ब्रेड टोस्ट के लिए। सो यहाँ पे देखिए, कढ़ाई मेरी चढ़ गई है। अब हम गैस ऑन करेंगे और लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसमें उसको गर्म होने देंगे। देन ऐड करेंगे ज़ीरा, हिलाएंगे ताकि जले नहीं। अब हमने इसमें डाला प्याज, प्याज को थोड़ा सा सॉटे करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और ये आपके बच्चों को खासकर बहुत पसंद आएगी। इसमें मैंने प्याज में हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, ये मैंने घर पे तैयार किया है दोस्तों गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पे मैंने मिर्ची का कम यूज़ किया है दोस्तों, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये बच्चों के लिए रेसिपी है तो मिर्ची का थोड़ा कम यूज़ करेंगे। बड़े भी इसे खा सकते हैं, बट ये मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। जैसे कि बच्चों को टिफ़िन में आपको कुछ डालना है तो हम क्या रेडी करें जल्दी से, तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, इसे बच्चे बहुत चाव से खाते हैं। आपको पता है बच्चों को खिलाना कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे मैंने दोस्तों इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, अपने सारे मसाले इसमें ऐड किए, और ये काली मिर्च पाउडर लास्ट में मैंने ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे। तो ये हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है टोस्ट बनाने के लिए। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, इसको आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, तवा लिया, उस पर मैंने बटर ऐड किया और मैं अपने ब्रेड स्लाइसेस पे, ये जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है, इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। तो दोस्तों ये रेसिपी है झटपट बनने वाली और वेरी सिंपल रेसिपी, और ख़ासकर बच्चों के लिए जो कि खाने में बहुत ही नखरे दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटर गर्म हो चुका है, ब्रेड इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से अब मैं इस पे रख रही हूँ दोस्तों वेट। वेट रखने से क्या होगा, विदाउट टोस्टर की हेल्प से सिंपली हमारा टोस्ट बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। इस तरीके से बस जस्ट सिंपली आपको ऊपर वेट रखना है कि देखिए मैंने प्लेट रखी और प्लेट के ऊपर वेट रख दिया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप क्रिस्पी एंड क्रंची टोस्ट तैयार कर सकते हैं घर पे। सो अभी आपको दिखाते हैं कि हमारा टोस्ट जो है, देखिए कितना क्रंची और क्रिस्पी बना है इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हम। इसको टर्न किया हमने और फिर से मैंने इस पर इस तरीके से वेट रखा। ये देखिए बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी, विदाउट टोस्टर की हेल्प से आपको ब्रेड टोस्ट मिलेंगे इस तरीके से। और ये चाय के साथ तो दोस्तों बहुत ही अच्छे लगते हैं, गरम गरम चाय, गरम गरम टोस्ट। आप एक बार खाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे, और बच्चे जो
उनको जो आप एक बार खिलाइए तो आपको वो लंच के लिए हमेशा यही डालने के लिए बोलेंगे। ये देखिए, तो हमारे क्रंची क्रिस्पी ब्रेड टोस्ट आर रेडी। इसी तरीके से मैंने स्प्रेड किया इसको ब्रेड पे, मिक्सचर को स्लाइस से कवर किया। और ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपने टोस्ट तैयार किए। देखिए बिना टोस्टर की हेल्प से कैसे हम क्रिस्पी टोस्ट तैयार कर रहे हैं चाय के साथ। तो दोस्तों चाय के साथ तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है जब इसे चाय के साथ ट्राई करेंगे आप। ये देखिए किस तरीके से टर्न करेंगे। दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आप हमारी रेसिपीज को लाइक कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं आगे भी आप हमें इसी तरीके से सहयोग देंगे, अपना प्यार देंगे। हम इसी तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सॉस के साथ और गर्मा गर्म चाय साथ में। तो लीजिए दोस्तों, हमारा नाश्ता तैयार है, बहुत ही सिंपल और टेस्टी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।